राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है। राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी को अटैक करने का मौका दिया। गौरव बल्लभ हमारे साथ हैं। सर, इसमें राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? सेकुलर पार्टी है, बिल्कुल। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रजिस्टर्ड एक पॉलिटिकल पार्टी है और इलेक्शन कमीशन में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है भारत में तो वो बाय डिफॉल्ट सेकुलर होगी। पर अनफॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी का पुराना प्रेम जिन्ना और जिन्ना के मुस्लिम लीग से रहा हुआ, इसलिए उनको हरदम वही दिखता है। क्योंकि हिंदुस्तान में एक ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है भाजपा, जिसने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में सरकार बनाई। हिंदुस्तान में एक ही ऐसा पॉलिटिशियन है जो जिन्ना की मज़ार पे आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी गए और वहाँ जाके सैल्यूट मार के बोले कि जिन्ना वॉज द बिगेस्ट सेकुलर ऑफ हिज टाइम्स। तो भारतीय जनता पार्टी के दिल और दिमाग में जिन्ना और जिन्ना का मुस्लिम लीग बसा हुआ है, इसलिए उनको सब जगह वही दिखता है। राहुल गांधी जी ने जिसका जिक्र किया उसका नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि भारत के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड एक पॉलिटिकल पार्टी है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है तो वो बाय डिफॉल्ट सेकुलर तो होगी ही। एक बात लगातार, राहुल गांधी अमेरिका में 6 दिनों के दौरे पर हैं और उनके दिए बयान पर इंडिया में बवाल मचता है, और ऐसा आरोप मोहन भागवत ने लगाया है कि देश के नेता विदेश की धरती पर जाके देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये सरासर गलत है। देखिए, देश का अपमान तो उस दिन हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने सियोल में जाके बोला, अरे यार भारत में तो जन्म लेना ही बेकार है। देश का अपमान उस दिन हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में जाके भारत को सांप सपेरों का देश बताया। देश का अपमान उस दिन हुआ जब नोटबंदी के तुरंत बाद टोक्यो में प्रधानमंत्री जी ने जाके हंस हंस के ये बोला, घर में शादी है और पैसे नहीं है। उस दिन सारे मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों का अपमान हुआ। देश का अपमान उस दिन भी हुआ जब प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय भारत के 5 राज्यों के छात्रों को बैन कर देते हैं और प्रधानमंत्री जी मौन व्रत धारण किए हुए रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ध्यान रहे, देश का अपमान होए और आपका मान बढ़े ऐसा हो नहीं सकता। देश का मान बढ़ेगा जब ही देश के प्रधानमंत्री का मान बढ़ेगा। आप इन चारों जो मैंने उदाहरण दिए, इन चारों के लिए देश से पहले माफ़ी मांगिए और मुझे एक भी ऐसा उदाहरण दीजिए जहां पे राहुल गांधी जी ने देश के खिलाफ कुछ बोला हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।